व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि XAMPP में डेटाबेस आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखें, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सिखाया था। आज हम देखेंगे अपना फर्स्ट स्टेप जो है कि डेटाबेस हम XAMPP के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं। आपने सबसे पहले ये अपाची को स्टार्ट करना है और MySQL को स्टार्ट कर देना है। उसके बाद अपने ब्राउजर पे आना है और लिखना है लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन आप ये लिखेंगे तो आप अपने PHP माई एडमिन जो आपका डेटाबेस का सेटअप है उसके अंदर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अगर ये रिडायरेक्ट नहीं होते, कोई इशू आ जाता है, अगर आपके यहाँ MySQL या अपाची के अंदर कोई इशू आ जाता है पोर्ट का, तो उसकी वीडियोज भी मैंने क्रिएट की हुई हैं, आप वो देख लें अगर आपको इशू आता है तो। अच्छा, यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक मज़े की बात आपको मैं यहाँ बताता चलूँ, अगर आपने यहाँ डेटाबेस क्रिएट करना सीख लिया या इंपोर्ट कैसे करते हैं, फाइल्स एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, या इवन डेटाबेस के अलावा और जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो आप जो आपकी वेबसाइट जब लाइव होगी कहीं, वहाँ पर भी जो है ना यही सॉफ्टवेयर यूज़ होता है PHP का, तो वहाँ पर फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। चले अभी डेटाबेस क्रिएट करते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड पर आप देख रहे हैं कोई कुछ डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट हुए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, ये यहाँ पे अगर आप डेटाबेस पे क्लिक करें। ठीक है, हम डेटाबेस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट डेटाबेस लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर हम अपने डेटाबेस का नाम अगर दे दें, कुछ भी यहाँ दे देता हूँ मैं अपनी डिजिटल टेक्सटोल। ठीक है, अपनी ही यूट्यूब चैनल के पेज का नाम मैं दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप बाय डिफ़ॉल्ट इस जो आपके पास आ रहा है इसको आप रहने दें बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ से जस्ट क्रिएट कर दें। ठीक है, ये आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, डेटाबेस आपका सिंपल सा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप टेबल का नाम बना सकते हैं, ये क्रिएट टेबल है। ठीक है, यहाँ से आप टेबल क्रिएट करके उसके कितने कॉलम्स होने चाहिए, उस कॉलम्स की फील्ड्स आप कैसे इनपुट आगे कैसे डालते हैं, उसको हम आगे जाके देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था कि आप XAMPP कैसे स्टार्ट करते हैं और डेटाबेस आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस डेटा ये आप डिजिटल टेक्सटोल के नाम से आप देख सकते हैं कि डेटाबेस मैंने क्रिएट करके आपको दिखा दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।